दोस्तों ये मेरे पास हीरो की बाइक है, ग्लैमर BS6। और इस बाइक के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ऑक्सीजन सेंसर का आ रहा है। तो आज हम इस वीडियो पे ये समझेंगे दोस्तों, जो ऑक्सीजन सेंसर है उसका पूरा वर्किंग समझेंगे, और वो ख़राब होता है तो बाइक के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। दूसरा चीज़, वो ख़राब हो जाता है तो आप विदाउट बाइक उससे आप कैसे चेक करेंगे कि वो सेंसर ख़राब है या सही है। तो सेंसर का काम क्या होता है, सही को सही बताना, गलत को गलत बताना। अगर सेंसर ख़राब है तो हो सकता है कि आपका जो सही रीडिंग है उसको ना बताए, या फिर गलत रीडिंग है उसे सही ना बता पाए। आप इसे ऑक्सीजन सेंसर कहें या लैम्डा सेंसर कहें या O2 सेंसर कहें, एक ही है। तो ये BS6 बाइक या BS4 बाइक के अंदर, जिसके अंदर कार्बोरेटर नहीं आता, थ्रोटल बॉडी आता है, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन बाइक होती है, उसके अंदर ये लगाया जाता है। तो ये सेंसर हमारा दो टाइप का आता है, एक हीटेड सेंसर आता है और एक अनहीटेड सेंसर आता है। हीटेड सेंसर के अंदर चार वायर आपको देखने को मिलेगा और अनहीटेड सेंसर के अंदर दो वायर देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर इसे इसलिए लगाया जाता है, ये आपका एग्जॉस्ट से जो गैस निकल रहा है उसके अंदर एयर कितना मात्रा पे है और फ्यूल कितने मात्रा पे है, उसे ये डाटा कलेक्ट करता है और उस डेटा को ECM तक देता है, और ECM फ्यूल का जो सप्लाई होता है और एयर का सप्लाई होता है उसे मेजरमेंट कराता है। तो ये कभी ख़राब हो जाता है तो आपकी बाइक के अंदर माइलेज का इशू आएगा। दूसरा चीज़, माइलेज का जब इशू आएगा तो उस टाइम पे आपका जो बाइक है वो मिसिंग भी करेगी। तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि इस सेंसर को विदाउट बाइक आप मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे और ये फिक्स करेंगे कि इसका O2 सेंसर ख़राब है। अभी हम इस सेंसर को टेस्ट करेंगे, तो टेस्टिंग करने के लिए आपको एक मल्टीमीटर ज़रूरत पड़ेगी और एक लाइटर या फिर कोई मिनी गैस है उसे। तो यहाँ पे मैंने जो वायर है ये ग्रीन पे ऑरेंज लाइन है, इससे ग्राउंड दिया हूँ, और यहाँ पे जो ब्लैक पे ऑरेंज लाइन है उसे मल्टीमीटर का जो फेस है उससे कनेक्ट किया हूँ इस तरीके से। तो किसी भी सेंसर का जो काम होता है वो प्लस पॉइंट पे भी काम करना और माइनस पॉइंट पे भी काम करना। यहाँ पे मैं उंगली लगाता हूँ, देखो ये माइनस आता है इस तरीके से। तो आपको इस वायरिंग को अच्छे से कनेक्ट करना है प्रॉब में, और कनेक्ट करने के बाद इसे हम हीट करेंगे। ये वायरिंग लूज नहीं होना चाहिए, परफेक्ट तरीके से टाइट होना चाहिए, जब ही जाकर आपका जो सेंसर है उसका वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन सेंसर वोल्टेज देता है DC पे और उससे ECM को सिग्नल देता है DC पे। तो ये है हमारा मिनी गैस, और इसे मैं जलाता हूँ और यहाँ पे इस सेंसर को हीट करेंगे। तो हीट करेंगे, एग्जॉस्ट के साइड ये फिटिंग होता है, वैसे ये हीट ही होता है बाइक के अंदर और वोल्टेज देता है। यहाँ पे देखो आप वोल्टेज इसका इंक्रीज हो रहा है मल्टीमीटर के अंदर। तो इसे हम जैसे जैसे हीट करेंगे उसी हिसाब से इसका वोल्टेज आगे जाएगा। यहाँ पे 85 पॉइंट पे है, ये 85 पॉइंट जा रहा है। सेंसर का अगर कंडीशन सही है तो सिंगल एक वोल्टेज तक आपका मल्टीमीटर के अंदर शो कर जाएगा, अगर सेंसर सही है तो। तो ये हमारा जो चेकिंग हुआ ये प्लस पॉइंट का चेक हुआ। अभी हम इसे माइनस पॉइंट पे चेक करेंगे, तो वो माइनस पॉइंट चेक करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, जो मल्टीमीटर है उसे 20 वोल्टेज पे ही सेट करना है, और जो वायर है इसे हमें पलटी कर देना है। पहले हमने जो ग्राउंड लगाया था उसे मल्टीमीटर का प्लस पे दे देंगे। यहाँ पे हम पहले हमने जो ग्रीन वायर है उसे हमने ग्राउंड दिया था मल्टीमीटर का, उसे अभी मैंने यहाँ पे फेस के अंदर मल्टीमीटर के अंदर इसे कनेक्ट कर दिया हूँ, और दूसरा जो वायर है इसे हमने फेस दिया था मल्टीमीटर का। तो इस वायर को, ब्लैक कलर का जो वायर है, इसे हम मल्टीमीटर का माइनस पॉइंट पे अटैच कर दिए हैं। तो इस तरीके से हम आपको ऐसा कनेक्ट कर लेना है, और अभी हम इसे हीट करेंगे तो हमारा जो माइनस पॉइंट है वो हमें पता चलेगा। तो सेंसर इसी तरीके से काम करता है, प्लस जाता है तो माइनस भी उसे जाना चाहिए। वापस से मैं इसे हीट करता हूँ, तो इसका लाइटर है, गैस लाइटर, इसे हम हीट करेंगे ऑन करके, और यहाँ पे देखेंगे जो रीडिंग है वो कितना आता है। तो यहाँ पे देखो माइनस पे ये आ रहा है। तो इस तरीके से आप एक सेंसर को चेक कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ।